कहाँ यूज नहीं करते, मैंने जवाब दिया दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक में, जैसे डिस्पर्जन्स, क्यूनेस, कटोसिस या टेस्टिंग में। हम मीन को तो यूज करते हैं, मीडियन को यूज नहीं करते। सभी को समझ में आया, मीडियन में किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन फॉर्मूला मैचिंग में आएगा ही आएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद आपको एक शीट मिलेगी जिसमें मीन के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मीडियन के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मोड के अलग अलग फॉर्मूले हैं। दैट यू हैव टू लर्न। न्यूमेरिकल नहीं आएगा, फॉर्मूले आएंगे मैच द फॉलोइंग में। तो आपको मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं एक शीट में लिख के दे दिए हैं मीन के। मीन के केवल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, इज इट क्लियर, ग्रुप एंड अनग्रुप। उसके अलावा भी फॉर्मूले हैं। जब आप किसी वैल्यू को पहले से अज्यूम कर लेते हो, दैट इज शॉर्टकट मेथड, दूसरा मेथड है। मीडियन के भी इसके दो अलावा और मेथड हैं। उन सारे मेथड्स के मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। आपको तरीका याद नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद करना है। थर्ड लिखिए मोड, थर्ड इज मोड। एनीवन, व्हाट इज मोड? ठीक है, मोड वर्ड का ओरिजिनेशन फ्रेंच वर्ड से लिया गया, दैट इज व्हिच मींस व्हिच इज इन फैशन। फ्रेंच वर्ड से लिया गया व्हिच इज इन फैशन। अब फैशन इस टर्म से क्यों लिया गया? जो ज्यादा चीज फैशन में इन होती है, सबसे ज्यादा लोग उसी को ही फॉलो करते हैं, मतलब वो ज्यादा रिपीटेशन में आती है। तो ऐसा नंबर जो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड हो रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया? मोड दिया। मोड की सिंपल डेफिनेशन है फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नंबर। फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नंबर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड।